भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से बौखलाया चीन अब चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट की लाइन लगाने जा रहा है। चीन ने चंद्रमा को लेकर अपने प्लान का खुलासा किया है और चीन साल 2024 में चांग E6 के बाद साल 2028 में चांग E8 को अपने महाशक्तिशाली लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च करने जा रहा है। चीन ने बताया है कि ये चांग E8 मिशन भविष्य में चांद की सतह पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए आधार का काम करेगा। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका ऐलान किया है। वहीं अमेरिका भी अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर अपना अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। अजरबैजान में आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के अधिकारियों ने इसे लेकर ऐलान किया और चीन के चांग E8 मिशन के अंदर एक लैंडर, रोवर और रोबोट होगा। इस मिशन का उद्देश्य चांद के भूगर्भ की जांच, चांद पर आधारित धरती की निगरानी, चांद के नमूनों की जांच और संसाधनों के उपयोग के लिए इसका प्रयोग करना। इसके अलावा चांद के पर्यावरण की भी ये जाँच करेगा। चीन इस मिशन को अपने पूर्व में भेजे गए मिशनों से मिले अनुभव के आधार पर तैयार करेगा और इसके जरिए भविष्य के अभियानों में जरूरी तकनीक की भी जांच करेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इसरो 2024 में अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा और ये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला भारतीय स्पेस मिशन होगा। गगनयान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग 2022 को होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। अब इस मिशन की लॉन्चिंग साल 2024 में होने की संभावना है। जब से चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ है, गगनयान मिशन पर तेजी से काम शुरू हो गया है। जानकारों की माने तो इसरो और इस मिशन से जुड़ी तमाम कंपनियां इसे कामयाब बनाने में जुटी हुई हैं और ख़ास बात यह कि चीन ने कहा है कि वो दुनिया के अन्य देशों से भी सहयोग लेगा। हालांकि बाद में चीनी वैज्ञानिकों ने सफाई दी कि इस मिशन के दौरान 200 किलो के पेलोड को ले जाने की क्षमता होगी। अगर कोई देश चाहे तो वो अपना रोवर या कुछ और चांद पर भेज सकता है। चीन ने इसके लिए आवेदन भी मांगे हैं। आखिरी चुनाव साल 2024 में वहां होगा और चीन के इस चांग E8 मिशन के डेप्यूटी डिजाइनर वांग कियोंग ने कहा कि गिरलाचे पर्वत श्रेणी, अमुंडसेन क्रेटर और काबेयास क्रेटर और अन्य पहाड़ी इलाके को चुना गया है जहां पर ये मिशन उतर सकता है। ये वही जगह है जहां पर अमेरिकी अपने आर्टेमिस 3 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहता है। चांग E8 लैंडर अपने साथ विज्ञान के 10 पेलोड ले जाएगा। इसके अलावा 4 अन्य पेलोड उसके रोवर पर रहेंगे। इस लैंडर में कैमरे लगे होंगे जो उतरने में मदद करेंगे। इसके अलावा भूकंप की जांच करने वाला उपकरण, चांद पर आधारित अर्थ रेडियोमीटर और एक्सरे टेलीस्कोप भी रहेगा। रोवर में भी एक कैमरा और चांद की सतह के अंदर घुसने में सक्षम रडार होगा। इसके अलावा उस पर चांद पर मौजूद खनिजों की जांच करने के उपकरण भी लगे होंगे। तो ये चीन के मून मिशन के बारे में आपको हमने जानकारी दी, लेकिन जिस तरीके से गगनयान मिशन को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, चीन भी तेजी से अपने स्पेस मिशन में आगे बढ़ रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।